नमस्कार मित्रों, संपूर्ण जगत चमत्कारों से भरा है और प्रत्येक वस्तु का अलग अलग महत्व होता है। हर चीज में कुछ न कुछ चमत्कारी गुण जरूर पाया जाता है। आज की वीडियो में जानेंगे भगवान शंकर जी के कहे जाने वाले वीर पारद के बारे में, यानी कि पारद गुटिका के बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा। पारद गुटिका के बारे में दुनिया में अगर अविश्वसनीय और शक्ति का खजाना कहा जाए तो वह है पारद गुटिका। ये भगवान शंकर जी का जागृत स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सोचो जिसने धारण किया हो उसे कितना ज्यादा फायदा मिलेगा। अपने शिव जी के कई मंदिर में देखे होंगे जो पारद का शिवलिंग बना होता है उसमें लिखा होता है कि दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति। अगर आप इसे धारण करते हैं तो आपके जीवन में कितना चमत्कार हो सकते हैं अब खुद अनुभव करेंगे। अगर मित्रों अष्ट संस्कारित पारद गुटिका धारण किया जाए तो इसके अंदर अष्ट सिद्धि बसते हैं। गुटिका हमेशा संस्कार की हुई पहनना चाहिए। अमेज़न में एक हमें गुटिका मिला, हम उसका लिंक दे देंगे अगर आप खरीदना चाहेंगे तो। देखिए जो पारद गुटिका होता है ये भगवान शंकर जी का वीर है। भगवान शंकर जी के वीर होने के कारण इसके पहनने से तंत्र क्रिया, बुरी नजर, बुरी शक्ति, जो नकारात्मक शक्ति है ये कभी छू भी नहीं पाते। पारद गुटिका हमेशा साधक की सुरक्षा करता है, साधक को सुरक्षा प्रदान करता है। रावण को पारद का अच्छा ज्ञान था। रावण ने पारद के दम पर अनेक असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा दिए थे, जैसे कि स्वर्ग तक जो है सीढ़ी बना दिए थे, समय चक्र को रोक दिए थे। आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं कि कोई समय चक्र को रोक दे। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया था, हमेशा निरोग था, हमेशा वह नौजवान था, नवग्रह को बंदी बना करके रखा था। तो जो पारद होता है इसके अंदर में अलौकिक शक्ति होती है। पारद गुटिका पहनने के बाद 10 फीट तक आपके साथ एक ऐसा आभा मंडल बन जाते हैं, 10 फीट के दायरे तक एक ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाता है। अगर आप धारण करते हो तो भूत प्रेत आपको छूने का प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। अगर छूने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही वह भस्मा हो जाएंगे। ये दुर्घटना और अकाल मृत्यु से साधक की हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है। यह बीमारियों से रक्षा करता है। पारद गुटिका पहनने से पागल व्यक्ति भी ठीक हो जाते हैं। यह दिमाग को शांत करने का काम करते हैं। और हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि जिस घर में पारद गुटिका स्थापित हो या फिर पारद शिवलिंग स्थापित हो वहां साक्षात लक्ष्मी बसते हैं, मां लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। जो व्यक्ति पारद पहना हो या पारद की गुटिका पहना हो उस पर मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। पारद गुटिका पहनने के बाद व्यक्ति निर्धन नहीं रहता। देखना मित्रों, पहले समय में जो चावल के ढेर या फिर गेहूं के ढेर में छोटा सा पारद की गुटिका डाल देते थे तो ये घुन से बचाता है। यानी कि आप सोच लीजिए ये चावल को या फिर गेहूं को घुन से बचाता तो व्यक्ति को कितना फायदा दे सकते हैं। हमेशा बीमारी से बचाए रखने का काम करते हैं। आप हमेशा धनवान बने रहेंगे इसके धारण करने के बाद। इसके धारण करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके धारण करने से शरीर में कोई भी रोग नहीं आता, और रोग अगर आ जाए तो पारद अपने अंदर में खींच लेता है, सोख लेता है। इसके धारण करने से अकाल मृत्यु नहीं होता। इसके धारण करने से उम्र ज्यों का त्यों बना रहता है, यानी कि शरीर की जो ऊर्जा होती, चमक होती, वह समाप्त नहीं होती, ज्यों का त्यों बना रहता है। तो आप भी अगर पारद गुटिका धारण करना चाहते हैं तो हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप यहां से बाई कर सकते हैं। फिर भी कोशिश करें आप जो है किसी वैद्य से या फिर कोई अच्छे आपके पास में जानकार हो जो अष्ट संस्कारित पारद गुटिका बनाए उनके पास से ये धारण करें, तब आपको ज्यादा फायदा मिलेंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।